क्यों रही है पागल। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार और अपने लोग हकोल के मूर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागत हम जनाएं सो। सो गाइस आज का ये जो व्लॉग है आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं किस बारे में ये व्लॉग कर रही हूँ। सो यस आज मैं करने वाली हूँ एक प्रैंक मीनाक्षी के साथ, एक बहुत ही बुरा प्रैंक करने वाली हूँ उसके साथ एंड शी हैज़ नो आइडिया अबाउट इट। तो मैं उसको ऐसा दिखाने वाली हूँ कि अभी मैं कहीं पे जाने वाली हूँ, तो मतलब आई एम गोइंग फॉर अ फोटो शूट, वो भी सही है, आई एम गोइंग फॉर अ फोटो शूट, उसके लिए मैं अभी मेकअप करने वाली हूँ। सो उसके बीच में मेकअप करते करते आई जस्ट ऐसे ही मैं कैमरा ऑन करके मेकअप करता, मतलब मेकअप करना आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बीच में आई कॉल हो एंड से कि यू कैन नॉट, मतलब तुमको रूम चेंज करना है क्योंकि ये सॉरर इज कमिंग एंड ऑल। सो यस दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी फन वीडियो। सो या अभी मैं करने वाली हूँ मेकअप एक फोटोशूट के लिए। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही मैं मेकअप करती हूँ आज, आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे मेकअप करूँगी, कैसे रेडी होंगी, एवरीथिंग। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं ऐसे सोफे पे बैठ के ही मेकअप करने वाली हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। ये मतलब पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही अच्छी फिटिंग है इसकी। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर मेकअप थोड़ा सा दाढ़ी मूछ निकाल लेती हूँ मैं। और मेकअप करने से पहले मैं अभी करने वाली हूँ अपना स्किन केयर, पर जैसे कि आप लोगों को पता है स्किन केयर में कितने सारे प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करना पड़ता है, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मतलब स्किन बिल्कुल हैवी और ग्रेसी हो जाता है। बट मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का जिसमें आपको मिलेगा 3-in-1, जिसे यूज़ करने के बाद आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ एक्वालॉजिकास ग्लो प्लस डिलीशियस ड्रीम क्रीम जिसमें 3-in-1 की क्वालिटीज़ है, मतलब आपको मिलेगा मॉइस्चराइजेशन, सन प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो ग्लोइंग स्किन। इट्स अ 3-in-1 डिलाइट फॉर योर डेली स्किन केयर नीड्स, अ परफेक्ट सन प्रोटेक्ट ग्लो मॉइस्चराइजर। सो दिस प्रोडक्ट इज क्रुएल्टी फ्री, वीगन, क्लीन, फ्री ऑफ सल्फेट, फालेट्स, पैराबेन्स एंड मिनरल ऑयल। So this product is non-greasy, lightweight, quick absorbing and it will make your skin feel soft and smooth. It highlights the glow and leaves no white cast. इस ग्लो प्लस ड्रीम क्रीम में है पपाया एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और साथ ही साथ SPF 33 एंड PA++++। दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन नाइका, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो एक्वालॉजिका यूजेस फ्रेश वाटर फॉर ऑल पर्पज। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट दिस प्रोडक्ट देन दिस इज माई कोड, यूज दिस फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो और जल्दी से हम करते हैं अपना मेकअप और शुरू करते हैं। सो यस नाउ वी विल स्टार्ट आवर मेकअप। मीनाक्षी सुनना, हो गया तेरा मेकअप? यहीं पे कर ले, यहीं पे कर ले। ऐसी बात करनी थी, मैंने सोचा कि बात मेकअप करते करते बात करते हैं। यार मैं मिरर भूल गई। मेरी नियॉन कलर की ड्रेस है ना, तो नियॉन कलर का आईशैडो करो। हाँ बोलो, एकदम से रिएक्ट मत करियो। घूमने जा रही हो क्या? सुबह को मिरर भूल गई तो मैं ये बोल रही थी हाँ। कि सौरभ शायद दिसंबर को आएगा। हाँ बताया था ना आपने, उनका शो बंद हो रहा है ना। बन नहीं हो रहा है, मतलब वो आ रहा है। हाँ हाँ, तो वही वो बोल रहा था कि मतलब ऐसे शेयरिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। एकदम से रिएक्ट मत कर, थोड़ा सुन ले, काम डाउन, थोड़ा काम डाउन। मेरे को मतलब हाँ, मतलब वही ऐसा, उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर वही वो बोल रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो भाई मेरे को भी मतलब अभी बहुत दिन से उसने बोला हुआ है, पर मैंने तो जानते हैं ना। हाँ भाई, मैंने भी उसको बोला है कि मीनाक्षी के साथ तो क्या ही अनकंफर्टेबल होगा, तो ऐसा मतलब मैंने उसको बोला है कि मतलब वो तेरे साथ क्या ही अनकंफर्टेबल होंगे,
पर उसका क्या, उसका यही कहना है कि अनकंफर्टेबल वो तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अरे कहना क्या चाहते हो? कभी ऐसे शेयरिंग में ना वो रहा नहीं है, तो वो बोल रहा था कि अगर मैं नहीं रहूंगी घर पे और तू और वो रहेगा तो उसको हो सकता है कि मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल सा लगे। तो मैं अपने रूम में अंदर रहूंगी ना, वही मैंने उसको बोला है, तो पर वो बोल रहा है कि थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये उसने बहुत पहले बोला था, पर मैं सोच रही थी कि एकदम से देखो कैसे ही बोलूं, तो वही बात है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई मतलब मिनी को बोल दो शिफ्ट कर ले कहीं ऐसा? एग्जैक्टली वो भी नहीं बोला है कि शिफ्ट कर लो ऐसे टाइप का ना, उसने बस बोला है कि मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा ऐसे किसी और लड़की मतलब वो भी है कि मैंने भाई ऐसा नहीं है कि उसने वो मतलब से नहीं बोला उसने, पर उसने बोला है कि वीडियो बनाने में भी मेरे को थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि इससे पहले कभी वो ऐसे लड़की के साथ एक ही घर में नहीं रहा है। तो अब पोम्पी की बात थोड़ी अलग थी क्योंकि वो बहन ही है, मतलब तू भी बहन है पर वो एकदम सगी है, इसीलिए तो आई डोंट नो, मतलब आई रियली हैव नो आइडिया। मैंने उसको सच में समझाने की बहुत मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे सामने डायरेक्टली नहीं बोल पा रही थी। ये तो मुझे उसने कब का बोल दिया है, इस बार भी जब मैं घर गई थी तो डिस्कस तो हुई थी इस बारे में, पर मैं वही उसको बोल रही थी कि तुम अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम खुद बता देना क्योंकि मैं नहीं बता सकती उसको ऐसे डायरेक्टली। तो क्या वही आई डोंट नो क्या बात करूँ क्या। हाँ तू बता क्या कैसे इसको मैनेज कर सकते। पिछले साल से मेरी शिफ्टिंग नहीं चल रही है। वही यार मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा बोलना। कोई और बात है क्या? कोई और बात नहीं है और क्या ही बात है। अगर और कोई बात है तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं और कोई बात नहीं है, ऐसे तो और कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है सब। बट और मैंने उसको सच में मतलब मैंने उसको बहुत समझाया है कि मीनाक्षी के साथ अगर वो ऑडिशन भी बनाएगा तब भी उसको सही रहेगा कि वो तू बना के दे सकती है ये। तो उसने बोला वो सब तो ठीक है, वो सब मैं समझ रहा हूँ, पर शायद उसकी राघव से भी बात हुई है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। राघव भी आने वाला है शायद, मतलब मुझे पता नहीं है, हो सकता है राघव से भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, तो उसका ये है कि अभी राघव का अगर अभी तो शो चल रहा है, जब उसका शो खत्म होगा तो हो सकता है वो यहाँ मतलब है। अपने साथ लड़का चाहिए। हाँ वैसे टाइप का वो बोल रहा है। अब मैं क्या ही बोलूँ इस बात को, बता तू बता। मैं मतलब वो तो दिसंबर में ही आने वाले हैं। हाँ दिसंबर जल्दी, मेरा भी आपको पता है शूट चल रहा है, मैं कहाँ रूम ढूंढूंगी यार, रूम ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं देखने भी जाऊँगी तो फिर तो एक महीने का तो मैं चलो उसको बोल सकती हूँ कि दिसंबर का तुम कर लो मैनेज, जैन से अगर तेरे को मिलता है कहीं। आई नो ये मेरे को ही अजीब लग रहा है बोलने में, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही थी इतने दिन से ना, मैं वैसी कि क्या कैसे ही बात करूँ कैसे ही बोलूँ कुछ ऐसे। बोला है मैंने उसको एक बार, मैंने तो बात करी है, कितनी बात कर सकती हूँ, पर वो ऐसे सामने देखो ऐसे कुछ बोल नहीं पाएगा, तो जानती है उसको हाई बोल के रख देगा, फिर उसके बाद उसका ऐसा होगा कि कंफर्टेबल नहीं है और काम नहीं कर पा रहा है अपना, ऐसे टाइप का। आप बोलो क्या करूँ, क्या तू देख ले, अगर मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से ही तू वो कर, अगर तेरे को कोई ऐसा अच्छा सा मिलता है थोड़ा तेरे सेट के पास भी, तो अगर मिलता है अच्छा सा एकदम से, ऑब्वियसली घर तो मिलेगा नहीं एकदम से, पर अगर कोई ऐसे अच्छा सा मिलता है तो अचानक से कैसे, और वो मेरे साथ घूमे हैं वही मैंने उसको
उसको बोला तो है ऐसा, मतलब पहली बार मिल रहे होते तब भी मेरे को समझ आता है कि चलो पहली बार वही मैंने उसको बोला है, उसने बोला है वो बात नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आया उसका लॉजिक, क्या लॉजिक है उसका, तू बता मैं क्या करूँ। रो क्यों रही है, पागल है क्या, रो मत। मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं करती क्यों करूंगी तेरे साथ मैं ऐसा घटिया सा प्रैंक, वही मेरे साथ किया तुमने कभी, और बोला तो अचानक से शिफ्ट करने के लिए बोल दिया क्या? नहीं ऐसा ऐसा ये सब बातें तो मजाक में नहीं बोलूंगी यार, मैं इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करूंगी, अच्छा घर मिलना फिर अच्छी रूममेट मिलना मेरे लिए तो त्रास हो जाएगा। आई नो, मैं आपको पता है मुंबई में अच्छी रूममेट मिलना कितना मुश्किल है यार, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रह चुकी हूँ ना। एक बार सौरभ को ही फोन कर ले, अभी मेरे सामने ही कर ले तू, मतलब एक बार बात कर ले उससे। बहुत प्रॉब्लम है भाई, मुझे ही बुरा। हेलो भैया कैसे हो, बिजी हो आप? अरे वो सुरभि से बात हुई, वो बोल रही थी कि आप आने वाले हो तो आपको ऐसे मतलब मेरे साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा एक घर में रहने के लिए, तो मैंने बोला वो तो जानते हैं मेरे को तो कैसे अनकंफर्टेबल लगेगा। तो क्या हुआ? वो तो इधर ही है। हाँ हाँ क्या हाँ क्या तुम्हार की प्रॉब्लम आसले तुम तक कह दिया, मैं कान्दी आसे तुम कह दिया तक की प्रॉब्लम आसे कुंटु अमर আমার কুন্ডু হা সঁচা কথা নহয়, তুমি অলপমান কৰিব লাগিব দেই, এনেকে তুমি পটককে সঁচা কথা কৈ নিদিবা, তুমি কোৱা অলপমান দেই। আরে আর হিন্দি মে বল লো আর দ্যাট কই পেলে করে কি কই পেলে কইবা তুমি কোৱা, তুমি কোৱা কোৱা লোৱা পাতা তু তু রো কিউ রে তু রো মত নি হ্যাঁ বলো ক্যা। नहीं नहीं मैं क्यों रोऊंगी, मैं ऐसी मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि 4 महीने पहले शिफ्ट किया था फिर अभी दूसरा रूम ढूंढना फिर रूम में ढूंढना, तो क्या हुआ बोलो ना। मैंने बोला ना उसको, वो सामने से बोल ही नहीं पाएगा। हाँ दिया अब दिया तुम्हें क्या नहीं मेरे को बुरा नहीं लगा, बस ऐसे ही अचानक से हो गया ना तो थोड़ा शॉक नहीं, बट वो तो आप करते ही हो ना कि हाँ आज मैं शूट के लिए जा रही हूँ तो ऐसे में मेकअप कर रही हूँ, मतलब ये जब भी फोटो शूट वगैरह करते हैं तो ऐसे कैमरा ऑन रख के करते हैं, मेरे को लगा पहले से मेरे से पहले से रेडी हो रहे थे। ठीक है मैंने तुम्हारे साथ भी प्रैंक किया, तुम्हारे साथ भी प्रैंक किया। अच्छा इनको नहीं पता, इनको हाँ, नहीं पता मैं कॉल करने वाली हूँ, तभी इन्होंने 2 मिनट लिए। हाँ, तभी इनके बोले कि इसको फोन दो ना एक बार बात करते हैं, इसने बोला तुम क्या तुम प्रैंक कर रही हो क्या, तो वो बोल रहे तुम वो कर रही हो क्या, मैंने बोला वो क्या, अरे जो पी से शुरू होता है। मैं रूम कार्ड देखूंगी कहाँ जाऊंगी, और मेरे को समझ नहीं आया क्या बात हो रही है आप दोनों, बोल रहे अरे मैं जो पी से शुरू होता है वो कर रही हो क्या, मैंने बोला हाँ वो कर रही हूँ।
तुमने बता दिया उसको? मैंने बोला नहीं बताया। अरे यार मैं नहीं बोल पाऊंगा फिर। पहली बार फील हुआ मेरे को प्रैंक करने वालों को कैसा लगता होगा, जिनके साथ प्रैंक होता है कैसा फील होता होगा उनको। नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगी, पर मैं हिल रही थी थोड़ी देर के लिए। उफ मजा आ गया गाइस, बहुत बहुत मुझे इतनी जोर की हंसी आ रही थी और मैं ऐसे कंट्रोल कर रही थी इधर देख देख। पहले पहले आप हंस रहे थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि ऐसे हंस के इतनी सीरियस बात क्यों बोल रहे। फिर आपने बोला कि तेरे को बुरा ना लगे, फिर मैंने कहा हाँ सभी हंस के बोल रहे होंगे कि मेरे को बुरा ना लग जाए। शिट यार। सो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट्स में अभी, और कैसे टाइप के प्रैंक कर सकते हैं वो कमेंट में मत बताना, कमेंट सेक्शन में मत बताना क्योंकि इसको पता चल जाएगा। वो आप मुझे डीएम करना कि मैं कैसे टाइप के प्रैंक्स कर सकते हैं। अभी सौरभ भी आने वाला है दिसंबर में, तो और बहुत सारे प्रैंक्स आने वाले हैं गाइज। एंड अभी मैं पूरा अपना मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि तब से मैं बात कर करके मेकअप कर रही थी ना, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी मेकअप में। तो अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा फोटोशूट के लिए, उस वो भी जा रही है इसलिए वो भी मेकअप कर रही थी। और अभी हम तैयार होके निकल गए हैं सीधा अक्सा बीच पे, एंड वी गोना क्लिक सम गुड पिक्चर्स देयर। मैंने चेयर भी ले लिया है क्योंकि चेयर पे बैठ के मैंने सोचा है कि वो अच्छा लगेगा ऐसे। ओ मेरे को लगा वो खराब हुई है, रिपेयर करने ले जा रहे हो। इसीलिए ऐसे लोग प्रैंक में आ जाते हैं, बेवकूफ लोग। आज तो सच्चे में बेवकूफ बन गई। तो यहाँ अभी मैं वीडियोग्राफर को भी बुला लेती हूँ, वो पास में ही रहता है। तो यहाँ लेट्स गो। हम शूट पे आए। हाँ कांच है ना, हाँ ये सब देखना भाई, कांच वांच है। ट्रैकिंग शूट भारी पड़ जाएगा हमको। ऐसे देख रहे सारे जैसे पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ नाइस। अभी तुम रात को अगर 11 बजे हम बना रहे आलिया का फेमस बीटरूट सैलड। वो आलिया का नहीं है पर उसने जब से दिखाया वीडियो में तब से वो फेमस बन गया। ये मसाला है और ये हमने बीटरूट ग्राइंड करके रखा है। अब दे नमक। दही और चाहिए होगा है ना। खा सकते हैं ना। See you guys in my next vlog. Till then, take care. Bye bye. I love you all. Good night.